Dear students of IITL, from Kumari Institute of Engineering Technology, we have done mechanical engineering. So I am Vilas. So today we are here to present our project that we have done in mining project for the submission. So today we are here to discuss the title name of our project is Electromagnetic Braking System. So first of all, we will discuss the components of the electromagnetic braking system. तो जैसे कि आप गाइस जानते हैं कि आजकल के जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक बेस्ड होंगे, जो भी फीचर्स में आएंगे वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ब्रेकिंग पे काम करेंगे। सो आजकल बड़ा ज़रूरी हो गया कि हम ये जो है अल्टरनेटिव लेके चलें, क्योंकि जो भी आजकल की जो ब्रेकिंग सिस्टम चल रही है वो हाइड्रोलिक बेस पे चल रही है और वहाँ पर यूज होता है ब्रेक ऑयल, जिसको हम क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं। तो आज अब ये एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर से ये अभी मतलब हो रहा ज्ञात हो रहा है कि वो 50 साल के अंदर अंदर जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगी क्रूड ऑयल। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम इस प्रोजेक्ट को एज अल्टरनेटिव जो है सेकेंडरी अल्टरनेटिव रख सकते हैं। सबसे पहले गाइस इसके आइए हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। सबसे पहले इसका जो कंपोनेंट है जो कि पावर सप्लाई हो रही है इसमें, वो इन बैटरीज के थ्रू हो रही है। ये दोनों बैटरीज जो है ये 12 वोल्ट की हैं, जो कि ये आप देख रहे हो इनके जो आ रहे हैं आउटपुट आ रहे हैं, आउटपुट टर्मिनल्स, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसका ये पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। तो और सेकेंडरी जो है इसका जो डिवाइस है, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, तो ये इसके जो है ये रहे इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो कि काम कर रहे हैं ब्रेकिंग के लिए। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये ईच जो है इसका मतलब एक जो मैग्नेट है वो 24 वोल्ट का है। और ये अब मैं दिखाना चाहूँगा जो इसकी जो मोटर है जो कि इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रही है, ये जो मोटर है ये 12 वोल्ट की है और 2500 इसके आरपीएम है। ये जो आगे इसका स्प्रॉकेट आ रहा है ये 3.1 इंच का स्प्रॉकेट है जो कि हमने यहाँ पे लगाया। ये सेकेंडरी डिवाइस है इस मोटर का जो कि टॉर्क आगे प्रोड्यूस कर रहा है इस चेन के थ्रू। ये चेन 48 इंचेस की है जो कि क्योंकि आप सब जानते हैं कि चेन्स के चेन जो है वो ट्रांसमिशन अच्छी करते हैं क्योंकि इसमें स्लिप बड़ी कम होती है। हम तो इसकी जगह बेल्ट भी यूज़ कर सकते थे पर उसमें स्लिप के कारण हमने ये पावर लॉस होता है, इसलिए हमने चेन यूज़ किया। तो यहाँ पर जो इसका एक स्प्रॉकेट आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्प्रॉकेट है, ये व्हील का स्प्रॉकेट है जो कि ट्रांसमिट कर रहा है इस चेन के थ्रू व्हील को पावर। तो यहाँ पे जो ये स्प्रॉकेट है ये उससे बड़े डायग है, इसका डायमीटर जो है वो 3.6 इंच है। हमने इसलिए इसको बड़ा डायमीटर यूज़ किया क्योंकि इसके हमें आरपीएम कम चाहिए, यहाँ पे आरपीएम कम चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट है इसलिए हमें आरपीएम यहाँ पे कम चाहिए थे। यहाँ पे इसकी जो मेन ब्रेकिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन ब्रेकिंग अप्लाई हो रही है वो इस डिस्क पे अप्लाई हो रही है। ये एक आयरन का ये आयरन डिस्क है जिसकी थिकनेस जो है 1.5 mm है और ये 7 इंचेस का जो इसका डायमीटर है, जो भी ब्रेकिंग हो रही है इसी पे बेस्ड हो रही है। और ये टोटल जो इसकी असेंबली है व्हील की और डिस्क की, ये हमने एक बेयरिंग पे की है जिसका साइज़ है 3x16 इंचेस का, जो कि आप मार्केट में जाएंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं वहाँ पर। अब गाइस मैं आपको ये इसका जो है बेसमेंट जिसको सपोर्ट कर रहा है, सभी को ये इसके आगे स्विचेस, क्योंकि जो रेड लाइट है जो हमेशा जो है ब्रेक को शो करती है, तो हमने यहाँ पे इसको रेड जो है सिग्नल दिया हुआ है, ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का है ताकि हम ब्रेक जो है अप्लाई कर सकें। यहाँ पे जो ब्लू सिग्नल जो इसका आपको स्विच दिख रहा है ये मोटर के स्विच है, मोटर को पावर देने का। अब गाइस हम डिस्कस करते हैं इसकी जो इसकी सर्किट है कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 12 वोल्ट्स की है और यहाँ पे 24 वोल्ट्स का जो मैग्नेट है। तो यहाँ पे दो जो है ये बैटरीज हैं, इसके हम देखते हैं कि कैसे इसकी, पहले मैं उतार के आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने सारे इसके सर्किट्स उतार दिए। ये जो आ रही है सबसे पहले ये दोनों एक वायर जो है, एक वायर आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेट से और एक वायर जो आ रही है मोटर से सिंगल वायर। और ये देख सकते हैं कि आप इसकी टर्मिनल जो है इस बैटरी की, जो बैटरी नंबर 2 है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बैटरी नंबर 2 की टर्मिनल्स बाहर निकल रहे हैं और एक इसमें वायर आ गई मोटर की और एक आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अगर बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो वोल्टेज होती है वो ऐड ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, अब इसको सीरीज में लगाएंगे ताकि हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं हमारे वो 24 वोल्ट्स के हैं। तो यहाँ पे हम क्या, ये है सेकंड वायर ऑफ मोटर, तो वी हैव कनेक्टेड दिस मोटर इनटू द सेकंड टर्मिनल ऑफ दिस सेकंड बैटरी, ऑल्सो वी हैव डन द सीरीज ऑफ दिस टू बैटरीज सो दैट वी कैन गेट 24 वोल्ट वोल्टेज फॉर आवर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो गाइज मैंने अब ये सर्किट जो है मोटर का कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये एक एक जो वायर आ रही थी मोटर और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की आ रही थी और ये सेकंड वायर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। अब हमारी जो है मोटर का जो पूरा सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है 12 वोल्ट का, यहाँ आप देख सकते हैं इसके। अब यहाँ पे एक जो वायर बचती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बचती है, अब ये पूरी सीरीज में आ चुकी है और ये 24 वोल्ट की बन चुकी है और यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो सर्किट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अब जो है इसकी पूरा सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है, अब हम देखेंगे इसको वर्किंग में, इसको वर्किंग में लाके। तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मोटर का स्विच है, इसको हम ऑन करेंगे, थोड़ी कनेक्शंस
अब हम देखेंगे इसको ऑन, मतलब इसकी वर्किंग है, वर्किंग देखेंगे कैसे हो रही है। ये मोटर का स्विच हम जैसे ऑन करेंगे, ये मोटर होगी एनर्जाइज होगी और साइकिल इसका जो है घूमने लग गया। अब हम अप्लाई करेंगे ब्रेक्स, ये देखिए रुक गया। अब दोबारा से हम इसको ऑन करेंगे, ये ब्रेक जो है ये हो गया। अब डीपली थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो ब्रेकिंग का प्रिंसिपल है वो क्या है। ये एक प्लेट है आयरन प्लेट, और ये जो डिस्क है ये आयरन डिस्क है, और ये मैग्नेट को जैसे ही एनर्जाइज होगा यहाँ पे, तो ये जैसे कि एक कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे लगाएगा तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि इनकी दोनों की बॉन्डेज जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी और ये एक दूसरे से कनेक्ट में आ जाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा और उसकी वजह से एक फ्रिक्शन जनरेट होगा जिसके कारण यहाँ पे ब्रेक अप्लाई होंगे। जैसे आप डीपली थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इनका कनेक्ट, ये मैग्नेट एनर्जाइज हुए और यहाँ पे कनेक्ट हुए। तो एक और चीज़ में इसमें बड़ी हमारे जो प्रोजेक्ट की जो अच्छी है वो ये है कि जो हमने इसमें जो ये ब्रेकिंग सिस्टम है वो दो प्रिंसिपल्स पे अप्लाई हो रही है। सबसे पहला प्रिंसिपल जो इसमें बेस है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे इसके साथ कंटेक्ट में आ रहे हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होगा या रुक जाएगी। और सेकेंडरी जो प्रिंसिपल है जैसे कि आप जानते हैं एडी करंट्स के बारे में, जो हमने जो है अपनी हायर सेकेंडरी या थोड़ी लोअर क्लासेस पे पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मतलब फील्ड में हम लेके आते हैं किसी कंडक्टर को, तो वहाँ जनरेट होती है एडी करंट जो कि हमारे कंडक्टर के मोशन को कोज करती है। और यहाँ पर इस ब्रेकिंग में यहाँ पर 10-20% जो रोल रहता है वो एडी करंट्स का भी रहता है इसको रोकने में, तो ये एक एफिशिएंट तरीका है उसको रोकने के लिए। तो अब गाइस हम इसे डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस, एडवांटेजेस की क्या हैं। अब गाइस हम इसके देखेंगे एडवांटेजेस कि इस ब्रेकिंग सिस्टम है ये ब्रेकिंग सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल नॉट यूज, इस ब्रेकिंग सिस्टम में हम क्रूड ऑयल नहीं यूज करते बिल्कुल भी। अब कन्वेंशनल जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है ये जो भी आजकल के ब्रेकिंग सिस्टम जब तक हम यूज़ किए ड्रम ब्रेक एंड डिस्क ब्रेक उनमें क्रूड ऑयल हो रहा है यूज़, जो कि हम उसको कॉमन लैंग्वेज में ब्रेक वाल भी कहते हैं। और आजकल क्या है कि हम एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर से आपको पता ही है कि आप क्रूड ऑयल जो है बड़ी जल्दी एक्सटेंड होने वाला है, फिर हम बाद में इसको एज अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। ये थी इसकी पहली एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज जो है इसकी वो है ये लो टेम्परेचर पर वर्क करता है। अब देखिए नॉर्मली जो हम ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो फ्रिक्शन पर रोटी बेस्ड होती है, और फ्रिक्शन के कारण उसका जो है जैसे कि आप एक रिलेशन होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के कारण और एक टेम्परेचर के बीच में, और फ्रिक्शन जो होता है हमारा अप्लाई जो भी बेस करता है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि इसमें फ्रिक्शन कितनी जनरेट होगी। तो जैसे कि टेम्परेचर हाई होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा तो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो लो होता जाएगा, तो वहाँ पर जैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हाई टेम्परेचर का लो होगा तो वहाँ ब्रेक फेल हो जाएंगे हमारे। और इसमें क्या है कि ये दो प्रिंसिपल भी काम कर रहे हैं, एक एडी करंट्स और एक हमारा जो है फ्रिक्शन, तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर इसका हाई नहीं जाता इसलिए इससे ज़्यादा एफिशिएंट है। और थर्ड जो है हम यूज़ करेंगे नो लीकेज। अब उस ब्रेक सिस्टम में कन्वेक्शन हम आजकल यूज़ कर रहे हैं उसमें क्रूड ऑयल यूज़ होता है, अगर उसका लीकेज हो जाता है बाई चांस तो हमारी ब्रेक जो है काम नहीं करेगी और इसमें लीकेज भी होते रहेंगे क्योंकि इस पर कोई क्रूड ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं ऐसे। और इसकी ओवरऑल जो कॉस्ट है, हालांकि इसकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा उससे, पर इसकी मेंटेनेंस के कारण जो इसकी लो मेंटेनेंस के कारण इसकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो लो पड़ जाती है। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था एडवांटेज का, वो भी यही था कि लेस मेंटेनेंस भी होगी। तो हालांकि इसकी जो हम एडवांटेजेस बहुत सारे हैं इसमें थोड़ी सी खामियाँ भी हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की एवरीथिंग हैज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको स्टेशनरी अगर हमें व्हीकल को रोकना है, क्योंकि एडी करंट का प्रिंसिपल क्या है कि हम अगर जब तक ये कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं तब तक उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, अगर वो सूख गए तो वहाँ पर एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इसलिए हम इसको अगर हमें अपनी व्हीकल को स्टेशनरी में स्टैंड बाई करना है, उसको स्टेशनरी होल्ड करके रखना है इंक्लाइन में कहीं माउंटेन के लिए, तो हम ये ब्रेक वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमारी टोटली जो वेस्ट होगी वो फ्रिक्शन पर हो जाएगी। तो गाइस ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने फ्रेंड्स को जिनके साथ मिलकर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, हम सभी ने हमने थोड़ा सबका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। सबसे पहले हमारी क्लास का अभिनव शर्मा, करण कुमार यावर, से हेलो गाइस, थैंक यू गाइस। लास्ट में गाइस मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने फ्रेंड्स को आपके साथ जिनकी कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो पाया। सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिनव शर्मा है। मेरा फ्रेंड का काम ये रहा कि मैंने जो इसमें इसकी मटेरियल जो थे जैसे कि बैटरी वगैरह मोटर ये मैंने सारा इनका मेंटेन किया, जैसे कि मेरे फ्रेंड का करंट उन्होंने सामान लाया और मेरे को दिया, मैंने इसको बढ़ दिया जैसे हमने इसको असेंबल किया तो मैंने सारे पार्ट्स लेके मैंने हमने करके असेंबली की तो वहाँ पर रख दिया हमने, ये मेरा काम था।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमर फारूक और मैं जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था कि जैसे कि हम जाते थे परिचय से काम जो भी शॉप वाले के साथ होती थी उसके बाद पैसों के लिए वो सारा मैं अपने लिए रहता था क्योंकि मैंने इसमें सारा जो पैसे